बात करते हैं खरगोन की, जहां कसरावत नगर परिषद के शांतिपूर्ण मतदान के बाद अब सभी की नजरें होने वाले मतगणना पर हैं, जिसको लेकर शासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। मतगणना शासकीय महाविद्यालय कसरावत में होना है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन एवं एसडीएम कसरावत संघ प्रिय द्वारा मतगणना स्थल का अवलोकन कर होने वाली मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। एसडीएम संघ प्रिय द्वारा पत्रकारों को होने वाले मतगणना की तैयारी के बारे में बताया गया है। कसरावत में कुल 15 वार्डों के 25 मतदान केंद्रों पर मत डाले गए थे। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उनकी मतगणना का कार्य कर निर्वाचित पार्षदों को प्रमाण पत्र आवंटित किए जाएंगे। गणना के लिए निर्वाचन शाखा से 30 कर्मचारी एवं जिला निर्वाचन के 45 कर्मचारी गणना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। गणना के लिए कुल 15 टेबल बनाई गई है। प्रत्येक टेबल पर 3 कर्मचारी मौजूद रहेंगे एवं सभी अभ्यर्थी को एक अभिकर्ता या स्वयं उपस्थित रहने की परमिशन होगी। मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा तथा संभवतः 12 बजे तक सभी नतीजे आने की संभावना व्यक्त की है तथा निर्वाचित पार्षदों को आचार संहिता होने की वजह से बड़े जुलूस की परमिशन नहीं होगी। विजयी उम्मीदवार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जीत का उत्सव मना सकते हैं। विराट 24 के लिए कसरावत से प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट। हमारे जो निर्वाचन की पूरी टीम है वो बिल्कुल कल मतगणना के लिए तैयार है, जिसमें कल सुबह 9 बजे से मतगणना शासकीय महाविद्यालय कसरावत में आरंभ होगी, जिसमें 25 मतदान केंद्र जो हमारे हैं उनके जो मत ईवीएम के माध्यम से एकत्र हुए हैं उनकी गिनती 2 राउंड में की जाएगी। जिन वार्ड में केवल एक ही मतदान केंद्र है उनकी गिनती प्रथम राउंड में ही समाप्त हो जाएगी, और जिन 10 वार्ड में हमारे 2 मतदान केंद्र हैं तो उनकी गिनती दूसरे राउंड में होकर के समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग जो तैयारियों के हिसाब में अपेक्षा करते हैं कि 12 बजे तक सारी मतगणना समाप्त होकर हम लोग जो चुने हुए अभ्यर्थी होंगे उनको हम पार्षद पद का ये प्रमाण पत्र प्रदान कर देंगे और आयोग के निर्देशानुसार अन्य कागजी कार्रवाई करा लेंगे। इसके लिए हमारे लगभग 30 के लगभग निर्वाचन शाखा के कर्मचारी हैं और इसके लिए 15 जो हैं काउंटर बनाए गए हैं, प्रति वार्ड के लिए 1 काउंटर, जिसमें से 1 काउंटर पर हमारे 3 कर्मचारी रहेंगे। तो इस प्रकार से 45 जो कर्मचारी हैं गणना जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनकी नियुक्ति जिला स्तर से की गई है, साथ ही स्थानीय स्तर पर निर्वाचन शाखा से हमारे 30 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार मैं सभी अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सभी अभ्यर्थी वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं, या फिर उनका निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित हो सकता है, या फिर एक उनका गणना अभिकर्ता अभियुक्त वहाँ पर उपस्थित हो सकता है इस अवधि में, और उसमें पूरे परिसर में जो है मोबाइल का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी से आग्रह करना चाहूंगा। चुनाव के बाद में पार्षदों के जीते हुए पार्षद जुलूस वगैरह निकालने का प्रशासनिक स्तर पर क्या व्यवस्था है? अभी बड़े जुलूस और इस तरह से प्रतिबंधित रहेगा क्योंकि आचार संहिता भी समाप्त नहीं हुई है, ना ही कल होगी, उसके लिए पृथक से निर्देश आएंगे। तो इसलिए जो भी सेलिब्रेशन रहेगा वो बहुत ही सौम्य तरीके से शांतिपूर्वक होना चाहिए, इसमें कोई जुलूस वगैरह की अनुमति नहीं रहेगी। सर, स्कूल वगैरह कोई चालू रहेंगे या कल कोई छुट्टी हो? नहीं, इसमें जो शासकीय सारे जो कार्यालय हैं स्कूल्स हैं वो चालू रहेंगे, मतगणना का कार्य अल्प समय में हम लोग निष्पादित कर देंगे, बाकी शासकीय कार्यालय यथावत चालू रहेंगे। और कोई संदेश देना चाहेंगे? बस मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो एक लोकतंत्र का जो उत्सव है कल परिणाम आ रहे हैं, सभी लोग जो भी परिणाम आए शांतिपूर्वक उनको स्वीकार करें और उसी अनुसार जनता के हित के लिए सभी लोग कार्य करें।